सो गुरु नानक देव जी की सत्संग की पंजवीं जोत संखेप न आप सत्संग जी विचारीए। आप जी ने नानके घर बीबी भानी जी की कुख तो प्रविष्टा सतसंगत जी भी सी 19 लेकिन वास्तव विच विसाख दे नेर पक्ष की सत्तवीं सी 1620 बिक्रमी चाप जी ने सतसंगत जी अज के दिन अवतार धारिया है। बालक अवस्था नानके घर विच सतसंगत जी बतीत होई। बीबी जी का सतसंग जी की हुक्म सी, पूता माता की आसीस, निमक न बिसर तुमको हर हर फजदा भजो जगदीश। मामा आशीर्वादा दिंदियां देखियां अपने पुत्रां नूं, तेरी उम्र बड़ी होवे तू तरक्की हो जाए तो बहुत कुछ कहिंदियां, लेकिन आ आशीर्वाद बीबी भानी बिना किसी ने नहीं देनी। सतसंगत जी, हे पुत्र, मैं तेनों आशीर्वाद दिनी है, तेनों एक निमक मात्र भी परमेश्वर का नाम ना भुले। भुलना की सी, आप ही ब्रह्म रूप ने, गुरबाणी की गवाही आ, धरन गगन नवखंड में ज्योत स्वरूपी रहो भर, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख। प्रतख सतसंग जी परमेश्वर का रूप ने, आप जी ने अवतार धार के बर माता कली तो प्राप्त नहीं किते। नाना जी ने की कहा, दोहता बाणी का बोह था, साढ़े भाई दोहते ने, दोहते का पृथ्वी चंद भी सी, दोहता तो सतसंग जी महादेव भी सी, ज्यों डौलिया तो चके तोल तोल ले बालक वास्ता च, कहते भाई बड़े भारे गुरु होणगे निगर, बाणी का बहुत जहाज तैयार करनगे। ऐसे वर पहले ही बालक वास्ता चो प्राप्त से। की हुक्म सी बीबी का, हे पुत्र, कदे भी अपने पिता की आग्ञा का अवहेलन नहीं करना, मोड़नी नहीं आग्ञा। अठे पहर गुरु रामदास जी दे सतसंग आग्ञा कर रहे, लाहौर जाना ब्याह दे सतसंग जी सबब करके गुरु रामदास जी ने कहना, जिन्ना चिर बुलाइए ना आना नहीं, उत्थे ही रहना, विछोड़े का दुख कौन सहारे, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करे चात्र की न्याई। ये शब्द नूं कौन भुलिया होया है, दो लिखिया चिट्ठिया तिन लिखिया पिरथिया ईरखा नाल लुकाउंदा रहा। जिस वेले आ गए बाबा बुढ़ा जी सतसंगत जी लैके आए, चौथी पौड़ी मेलन वास्ते, पिरथिए नूं झूठा करन वास्ते, गुरु रामदास जी का हुक्म मन के भाग होया, गुरसंत मिलाया, प्रभु विनाशी करम पाया, ऐसी सतसंगत जी पौड़ी रच दिती। सतगुरु जी ने सतसंगत जी 6 साल गुरता गद्दी की, गुरु रामदास साहब जी ने उस तो बाद समाउण वेले गुरता गद्दी दे मालक बने। 25 साल दे सतसंगत जी अंदाजन आप जी ने गुरता गद्दी की जिम्मेवारी सांभी। 1600 सतसंगत जी 36-23 हाड़ नूं ये बिक्रमी समझने अपने देश विच अपने दिमाग चढ़िया होया ईसवी सन, अंग्रेजा ने फसा दिता न। जदों गुरु के अवतार धारिया, गुरु के सतसंग जी खालसे का सतसंग जी बोलबाला सी, उदों थोड़े अंग्रेजा नूं कोई नहीं सी जानदा, ना इन्हां दा उत्ते सन चलदा सी अपने। इस करके अजकल भी मूवियां भरदे ने कई, आवन 78 जन 97 ईसवी दे 97 नूं लई फिरदे ऐ, कदे भुलेखे च नहीं आउणा गुरसिखां ने। जो कोई किसी नूं भुलेखे च पावे उहदे वर्गा पाप नहीं, किसी सतसंग जी भुलेखे चो कढ देवे उहदे वर्गा पुन नहीं, किसी नूं उजाड़ च छड देवे पाप नहीं, किसी नूं मार्ग पा देवे उहदे वर्गा पुन नहीं, किसी नूं नेहरे च टोए च छड देवे उहदे वर्गा पाप नहीं, किसी नूं चानण च पा देवे सतसंगत जी उहदे वर्गा पुन नहीं। सो गुरसिखो, सतगुरु जी ने किसी तरह की भ्रांति नहीं छड्डी है, बड़ा स्पष्ट उपदेश दिता आप जी ने। सो सतसंगत जी, आप जी ने 1620 बिक्रमी च अवतार धार के 16 साल की आजू सी, जदों आप जी की सतसंग जी 23 हाड़ नूं 1636 बिक्रमी नूं मौत साहब आप जी का सतसंग जी शादी होई है। वह सतसंग जी महल माता गंगा जी होए, जिन्हां की कुख नूं भाग लाउण वाले पातशाह दे पातशाह मीरी पीर दे मार गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अवतार धारिया। तो सतसंगत जी, ब्याह आके भी
नहीं ब्याह दे दिनां च सब दी रंगत बदल जांदी है। कहिंदे जी हसना खेड़ना भी बनिया होया, सिक्खी नूं असीं कित्थे चक्की फिरीए। ऐं वी लोक कहिंदे ने खा पीण लैण दिओ, हुण जवानी है, जवानी चार दिन भेड ते भी आउंदी। लेकिन सतसंगत जी शादी ते गए, कोई किसी नूं मुखौल टच्चर नहीं कीता। जे बीबियां ने सतसंगत जी कहा कुछ की कीता, किकर सी सतसंग जी उत्तों गोडे जिनी उच्ची वढ के कहिंदियां, तुसीं साडी भैण नूं ब्याहुण आए हो, आ साडे विहड़े दा कीला पट के दिखाओ तां जे तुसीं बली हो। छतरी मस सी, सूरमे सी सतसंग जी, कोई बली घट तां नहीं सी। गुरु अर्जन देव जी वर्गा बली कौन होवेगा? जे बली सी तदे सतसंग जी जान वा गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह प्रगट होए। बथेरा कहा बीबीओ, संतन सेती मशकरी कुल डोबन की रीत। संतां महात्मा दे नाल मशकरी करनी, अपनी कुल नूं गर्क करना है, वह तो गुरु से संतां नूं बनाउण वाले। जद ना हटियां कहिंदे लो मौत दी जड़ पट्टी गई। खब्बे चरण दा अंगूठा लाया समेत जड़ां दे सतसंग जी किकर इकदम बाहर आ गया मुढ। उस वेले हर हां ने सतसंग जी माता गंगा जी दी भैण ने बेनतियां कीतियां, महाराज उपदेश दिओ। उस वेले सतसंग जी फुनहे ने जेड़े उन्हां द्वारा महाराज ने उपदेश दिता सी। उस तो उपरंत संतोख सर सरोवर सतसंग जी संतोखे जोगी वर्गे जेड़े युगां तो बैठे समाधियां लाई उड़ीकदे सी, कदों गुरु अर्जन देव जी प्रगट होणगे, साडे गुरु दा वर है कि तुहानूं उह कल्याण करनगे। धरतियां च दबे गए उन्हां नूं कढ कढ के कौन मुक्त करे, संतोख सर सरोवर बनाउणा। 1645 ची सतसंगत जी बीबी रजनी ने अपने पति नूं सतसंगत जी उहदे सत नूं भाग लग्गिया लिया के दुख भंजनी बेरी कोले बिठा देना। विसाखी वाले दिन सतसंग जी उसके अंग साबित हो जाने, दोनों ने झगड़दियां गुरु अर्जन देव जी को जाना। उन्हें कहना मैं तेरा पति हाँ, वह कहते तू मेरा पति नहीं है। गुरु अर्जन देव जी ने कहना बीबी तेरे सत नूं भाग लग्या, साडे नाना जी साडे पिता जी नूं नाल लैके आए सी, इत्थे टक लवाया सी 1627 विच, वह असी भी भाड़दे सी, इत्थे बेरियां दा झिड़ा कित्थे को जगह असी तैयार करनी है। वह सतसंगत जी दुख भंजनी बेरी दे कोले प्रगट करके हरिमंदर साहब दे सरोवर नूं 1645 विच ही सतसंगत जी रचना हरिमंदर साहब दी आरंभ कीती। आप ने जिन्नियां सिख संगतां आउंदियां सारियां दी माया सतसंगत जी आप जी बड़े बड़े सरोवरां ते खर्च कीती। हरिमंदर साहब दी रचना रची गई, लंगर चलाउंदे एक पैसा भी सतसंग जी किसी गुरसिख की कमाई धर्म की कीती हुई अजाई नहीं जान दिता। आप मौजां नहीं सतसंग जी माणियां माया दे आसरे। उस तो उपरंत आप जी ने सतसंग जी 5951 दे 1651 बिक्रमी विच दुआबे दी संगत नूं तारन वास्ते सतसंग जी करतारपुर आ के टक ला करके इह सतसंग जी करतारपुर शहर दी रचना रची। करतारपुर करता बसे संतन के पास ऐसे बचन कहे, इधर संगतां नूं तारदे होए दोबारा फिर सतसंग जी नानके घर गोबिंदवाल साहब यात्रा करते हुए आप जी ने 1859 विच रामसर सरोवर की रचना रच के किनारे ते बैठ के सुखनी साहब की बाणी का उच्चारण करना, संकल्प करना कि बाणी एकत्र करिए। लोग जेड़े पखंडी कवि लोग सी गुरु नानक देव जी का नाम लै करके बाणी रचन लग गए सी, गुरबाणी कित रुल ना जाए। आप दिया सो दूध बराबर, मंग लिया सो पानी, झगड़ लिया सो रक्त बराबर, कहो नानक निर्वाणी। कविता आप दी बना ली विच नानक दा नाम भर देना। जे अज उस तरह अज बाणी इकट्ठी ना होंदी किवें भाड़दे भी आ असली बाणी आ कि नकली बाणी। आप जी ने सतसंग जी पोथियां बगाउणियां, बाबा बुढ़ा जी नूं ना मिलणियां, भाई गुरदास जी नूं ना मामा जी ने देणियां। आप जाके सतसंग जी सरंदे दा कीर्तन करना बैठ के गली दे विच गोबिंदवाल साहब, मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपार जीओ, ऐसी धुनी मिठी दे नाल कीर्तन कीता। निकलिया पोथियां लैके सतसंग जी, मोहन जी जो महाराज दा वड्डा मामा सी, गुरता गद्दी तां साडे घरों लै जाओ, आ सी साडे कोले गुरुआं दी निशानी, लो इह वी हुण तुहानूं दे दिंदे। अदब दे नाल सतसंग जी पालकी ते पोथियां लिया के रामसर सरोवर दे किनारे ते सतसंग जी पोथी परमेश्वर का थान
ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਲਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂਗਟ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕੱਟਣੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਲਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਸਰੂਪ ਰਚਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਤਾਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੇ, ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਰਥੀਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਲਹੀ ਸਲੱਬੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੀਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਰਾਤ ਹੀ ਆਵਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਰੀਤ ਲੱਭੀ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਖਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਡੰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਸੀ ਔਖਾ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੰਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਉਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਹਿਸਾ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਦੇਈ ਪਲਟਦੇ ਆਏ ਜੋਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਣੀ 'ਚ ਮਹਾਂਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾ ਲਾਉਣੇ, ਖੜ ਤੁਰਸੀ ਮੁੱਖ ਬੋਰਨਾ ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਸਲੂਣੇ ਕੀ, ਮਿੱਠੇ ਕੀ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਣ ਮਿਣ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਐਸੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਐਸੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਮਾਣੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਦੀ ਅੰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਲ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਚਾਲ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ? ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮਨ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,
जे बचन करना हुक्म गुरु नानक देव जी ने कहना भला जी, जे कहना पुरखा आ तू गलती की भुल गया जी, भला जी भुल गया जी, दो ही अखर सतसंग जी मूहरे रखे ने रसना दे उत्ते। जो गुरु कहे सोई भल मानो, जो गुरु साहब जी कहन उसनू भला करके मनना, कदे किंतू नहीं करना। क्यों? उत्थे अपनी पहुँच नहीं, खबर केड़ी वस्ता च महाराज कह रहे आपां नूं अपनी बुद्धि गलत अंदाजा लाई जांदी होवे। हर हर कथा निराली, गुरु साहब की कह रहे ने, जो हरी परमेश्वर सारयां दे पापां दा हारक है, नाश करन वाला, सारयां नूं हरे भरे करन वाला भी है, सारयां दे अंदर उहदी हरियावलता है, उस दी कथा निराली होई है। पुराणा की कथा करा लो, बड़े बड़े पुण्य आत्मा राजा की धर्मात्मिया कथा ने, रामायण की कथा भी देख लो, सतसंग जी राम राम रावड़ा उन्हें ओदी जोरो खोली, उन्हें खोलिया गांवड़ा के बस इन्नी कथा सी जट कहता। सो रासा देख लो सतसंग जी, सो जी हरि परमेश्वर की कथा सतसंग जी वह निराली हुई है। वह गुरु के सिखा के विरसे च आई खालसा जी, पर भागा तो बिना फेर भी नहीं। गुरबाणी च कोई साखी नहीं, बहुत घट किते दृष्टांत प्रमाण हन साखियां दे, नहीं तो सारा चिंतन ही चिंतन। सतसंग जी केड़ी पंगति है जेड़ी पंगति जी किते परमेश्वर दा नाम नहीं है? हर हर परमेश्वर की जेड़ी कथा है, स्वरूप भूत लक्षणा वाली और तत्ष्टी लक्षणा वाली कथा होया करती है। जे किसी बंदे की कथा सुनानी होवे, उहदे जीवन नूं सुनाई दा कि नहीं, उहदे शरीर की बणतर दसी दी है, लेकिन वाहिगुरु निराकार है, उहदा तां शरीर भी नहीं है, तिन्ना गुणा तो परे है, उहदा असली स्वरूप दे लक्षण करने सतसंग जी कथा है। वह चक्र चिन्ह और वर्ण जात और पात निहरजै, रूप रंग रेख पे को कह ना सकत कहे, अचल मूर्त न भव प्रकाश मतोज कहिजै, कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिजै, ऐसे लक्षण करने पैणगे, इहदा नाम है कथा। सो सतसंगत जी हरी दी भाई कथा जी निराली है, ये गुरु साहब दे पासों ही प्राप्त होंदी। जे तुसी मन विच दृढ़ निश्चा करदे हो कि असी कदे भी गुरु साहब दा कहना ना मोड़ीए, जो गुरु साहब का मार्ग है उत्ते चलीए, बेनती करनी पवेगी, महाराज मन साडे बस विच नहीं, साडे ते कृपा करते करते रहो, जे तुसी कृपा दृष्टि करदे हो तदे ही महाराज थोड़े मार्ग ते चल हुंदा है। जे किसे अन्ने नूं कह दईए तैनू हुक्म करदे हां रस्ते तुर, वो कहूगा जी हुक्म तां थोड़ा सत करके है पर मैनूं दीदा नहीं, तुरां किवें? गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जेड़े मार्ग से गुरु साहब तोर दे आपां चलीए, लेकिन वो मार्ग ब्रह्म ज्ञानियों तो दींदा है, अपना तो दींदा नहीं, भरम दे फोले पोए हुए अपने अखां दे अंदर, अग्ञान दा नेरा एक अखां च फोले पए होने, एक होवे नेरा कौन तुरूगा उत्थे सतसंग जी? अखां वाले नूं नहीं दींदा नेरे विच तां। इस करके सतसंग जी बेनती करिए, हे महाराज हम अंदले अंध बिखे बिखराते, असी मारा अन्ने आ चलीए, किवें तुसी हुक्म तां दे दिता है गुरसिखो, तुसी गुरु साहब दे भाव भगती दे मार्ग ते चलो, गुरसिखी दे मार्ग ते चलो, असी अन्ने आ। अन्ना अपने आप नूं कोई मनदा? अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयन ना है, अंधे सही नानका जे खसमो कुत्थे जाए, अंधे वो ना समझो जिदे नेत्र नहीं हन आज मत्थे दे उत्ते, जेड़े परमेश्वर वरों भुले हुए ने सतसंग जी अन्ने ही ने, बराग ते विवेक दे नेत्र नहीं, सुरती सिमरती नेत्र नहीं, परोख परोक्ष ज्ञान दे नेत्र नहीं, तां अंधे ही हाँ। आ नेत्र इन्हां रस्तियां नूं देख सकदे ने, भगती सेवा दे मार्ग नूं नहीं बराग ते विवेक नेत्र देखणगे, उन्हां बिना नहीं देखिया जाता। अखां वाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, जीबे वाजों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुकम पछाण के तो खसमें मिलना।
ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਦਾ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਧੜੇ ਹਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਅੰਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰੇ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅੰਧੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਗਪੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਟੇਢੀ ਪਾਗ ਟੇਢੇ ਚੱਲੇ ਲਾਗੇ ਵੀਰੇ ਖਾਨ, ਭਾਓ ਭਗਤ ਸੋ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੂਆ ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਾ ਇਸ ਚਾਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਟੇਢੀ ਪਾਗ ਟੇਢੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ, ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਟੇਢੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬੀੜੇ ਚੱਬਣੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆ ਸੰਗਤ 'ਚ ਭਾਓ ਭਗਤ ਸੋ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਅਮਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ ਸਾਡਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਨ ਤੁਰੇ, ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਅੰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦੇ। ਜਿਉਂਦਲੇ ਹੱਥ ਟੋਹਣੀ ਹਰਨਾਮ ਹਮਾਰੇ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਹਾਓ ਸਥਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰਸੇਵਿਓ ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ। ਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜਨੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੁਰਸੇਵਿਓ ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਬਥੇਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਦੋ, ਮਤ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕੇ ਕਾਲੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਆਇਆ, ਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਬਾਦੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਰੌਠੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਰਾ ਪਰਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਹਰ ਵਾਧੋ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਥਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਹਰ ਵਾਧੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਨ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਖਰਚ ਬਣ ਲਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਗਰੋਂ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੱਤੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਨ ਜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮਗਰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਂ ਕੂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ 'ਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਧੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਹਰ ਸੰਤ ਚੱਲੇ ਹਰ ਨਾਲੀ। ਨਾਲ ਖਰਚ ਤਾਂ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸਾਥੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ। ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੰਤ ਆ, ਕੋਈ ਭੈਰੋਂ ਦਾ ਸੰਤ ਆ, ਕੋਈ ਗੁੱਗੇ ਦਾ ਸੰਤ ਆ, ਸੰਤ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
हे हरी की उपासना करने वाले गुरसिख संत जनों, जपना करो। हर जपना जे जपन नूं जी करता है, कोई मित्रां नूं जपदा, कोई किसी नूं चेते करता, कोई किसी नूं चेते करता, हरी है जपने योग। हर संत चले हर नाली, हरी दे संत ही थोड़े नाल साथ देणगे। इस करके तेरे त्यार बरत्यार सिंह ने सतसंगत जी जदों उन्हां दे शहीदांत दा समां आउंदा, कदे पंज प्यारे, कदों कोई शहीद सिंह जमनी नेड़े आ सकदे सतसंगत जी, ओह गुरमुख प्यारे सतसंगत जी आ के ददारे दे दिंदे। हर संत चले हर नाली, हर तरह करके भाई वह शांत चित्त वाले जिहड़े गुरमुख गुरसिख ने वो थोड़ा साथ देणगे। नानक कचड़िया से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जी बंदे बिछड़े वो मोया न जाई छोड़। ऐसा जा पाल लो सतसंग जी, भरेखे च भी पैना नहीं है। तो सतसंग जी गुरु घर में ब्रह्म ज्ञानिया की कमी नहीं, गुरु साहब अपने प्यारियां तो सतसंग दरेडे नहीं है। जिन हर जपया से हर होए, जदों मार्ग ते सतसंग जी पल्ले ला के तुर पोंगे फिर अगे पहुंचना किथे है। जिन हर जपया से हर होए, जिन्हां ने उपासना की गुरसिखी मार्ग ते चले ओ हरी दा रूप ही हो गए सतसंग जी। हर हर जंद एक है, बेबिचार कछ ना है, जल ते उपज तरंग जो जल ही बिखे समा है। हर मिलिया केल कलाली, जिहड़ा सरगुण सरूप तर के कलाल नौ पानी दा हुंदा। शीर समुंदर दे विच सतसंग जी क्रीड़ा करन वाला सरगुण सरूप धार के, ऐसा जिहड़ा परमेश्वर है वह सतसंग जी प्रतक अभे मिल जाता है। अखीरलियां पंक्तियां च फरमाउंदे ने, हर हर जपन जप लोच लचानी, हर कृपा कर बनवाली। हे संसार बाग दे माली, हे मालक, हे वाहिगुरु, हे हरी साडे ते कृपा कर दे। थोड़ी सिक्ख्या सुन के हर हर जपन हर हर दे जाप नू जपन दी लोच लचानी इच्छा ते इच्छा साडे अंदर प्रगट हो रही है। कथा उस नू कहंदे ने, एक भी पद का सतसंगी अर्थ ना रहे, साखियां का ना कथा नहीं, इधलियां उधलियां चुटकलियां का ना, थोनू हसाउण का थोड़े परचाउण का ना कथा नहीं। कथा तो सतसंगत जी एन मन नू सतसंगत जी मुठ्ठी च फड़का पकड़ा दिंदी है। पर मन विच आ इच्छा होवे, लोच लचानी इच्छा ते इच्छा प्रगट हो रही है महाराज थोनू जाप करन दी। हर कृपा कर बनवाली, हे महाराज असी अंधले हाँ, शरदा विश्वास रूपी कन्ना तो बोले हाँ, सुरती सिमरति नेत्रा तो अंधे हाँ। भय के चरण कर भाव के, भय दे चरण नहीं हन, प्रेम दे हथ नहीं हन, असी माल आरत द्वार गर्त पिंगरिया, आरत बड़े दुखी हाँ, रुड़ दे आ पिंगले आके मारे थोड़े दर्शना नु आए। कृपा करो जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली। हे गुरु रामदास साहब जी की सतसंग जी, गुरु नानक देव जी चौथी जोत गुरु रामदास साहब जी कहते ने, जनदासा भाव धार के, हे महाराज आप दे दास हाँ, संगत साध हर मेलो, साध संगत हर मेलो। जो साध संगत हरी का भजन करने वाली है वह मेड़ दे, जदों शरीर करके मिलांगे तो पहला धूड़ी प्राप्त होवेगी, जदों लंगर च जावांगे पहला भांडा मांजिया जाता है, मगरों पदार्थ पुंची दा विच पा के। इस तरह हर हम साध जना पगराली, असी महाराज साध जना की जी पग चरणा की धूड़ी है वह तो बलिहार कुरबान जाइए सानू वह प्राप्त होवे, जिस धूड़ी दे नाल धूड़ी विच लडंदड़ी सोहां, नानक तैसा नाले तप्पड़ झाड़ बिछाए धूड़ी नहाया। ऐसी धूड़ी ना मारा इशनान कर लिए, नानक धूड़ पनीत साध लख कोट परागे, लखा करोड़ा प्रागराज तीर्थां नालों भी साध संगत की धूड़ी पवित्र है। जिदे नाल साध संगत जी मन की उज्जलताई हो जाए, जो उज्जलताई हो गई फिर मार्ग भी दसन लग जाएगा। जो मार्ग ते चल पे कोट सूर नानक प्रकाश, वो सतसंग जी फिर ब्रह्म का प्रकाश कोई दूर नहीं है। सो सतसंग जी समा उत्ते जा रहा है, खिमा करनी, गुरबाणी अमृत रूप है, स्वाद भोजन होवे, पेट भावें भर जे खाण नूं हटणों जी नहीं करता भी छकी जाइए,
तो सतसंग जी ये परपकार गुरु अर्जन देव साहब जी का है। ये एक शब्द की आप विचार की किन्ने शब्द ने सतसंग जी कोई अंत है बेअंत खजाना ये साड़ी झोली च महाराज ने पाया होया है। लेकिन साड़ी मानस देही अजाई लंघ दी जा रही खालसा जी ऐसे शब्दों का बिरती कागर करके संगत दे रस मानना चाहिए। जिस करके गुरसिखो सतगुर सेव खर्च हर वाधो पर लोक का खर्च आपां भी सतसंग जी पूंजी कट्ठी कर कीती होवे फिर सतसंग जी बेपरवाही है। चिंता चिंता सगली गई प्रभ नानक 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 मई उत्थे ना अचिंत वसदा ना चिंत वाली वसदा। सतसंग जी इत्थे विश्राम दिंदा हाँ भुला चुका माफ करनी आ सतगुरु जी कृपा करन अपनियां भड़ियां घड़ियां लेखे लाउण सारी संगत नूं वधाई होवे। गुरु अर्जन देव साहब जी दा अज अवतार दिवस आपां सारिआं ने मनाया है। रागी सिंह सतसंग जी आ गए ने आप रस पिना कीर्तन प्रेमियों को सतसंग जी सुन के लाहा लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की हर हर जपन जप लोचल चानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।